वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम एक आटम 2020 का पास्ट एग्जाम कवर कर रहे हैं जिसके अंदर आई एस सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मेन एलिमेंट है थोड़ा सा इम्पैक्ट आई एस ट्वेंटी और आई एस ट्वेंटी का भी है यानी बोरिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट्स तो टाइटल है इस क्वेश्चन का हड़प्पा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ट्वेंटी मार्क्स का एक क्वेश्चन है फॉलिंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड एंड थर्टियत जून टू सबसे पहले हमें एसेट्स बताए हुए हैं देर आर फोर एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड व्हीकल्स कॉस्ट और या रिवेल्यूड अमाउंटियशन और रिवेलेशन सरप्लस का बैलेंस गिवन है ये सारा डाटा थर्टी जून टू का है यानी जिस ईयर की डिटेल हमने बनानी है उसके लिए ये ओपनिंग डाटा है डेप्रिसिएशन मैथड्स भी बताए हुए हैं यूजफुल लाइफ भी बताई हुई है इन्फिनेट लैंड की बिल्डिंग की ट्वेंटी ईयर्स प्लांट की फिफ्टीन ईयर्स और व्हीकल्स के लिए परसेंटेज बताई हुई है ट्वेंटी परसेंट की रिड्यूसिंग बैलेंस पे तो साथ ही यह बताया हुआ है कि लैंड से रिलेटेड कैन अमाउंट ऑफ रुपीज ट्वेल्व मिलियन हैड चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन प्रीवियस यानी प्रीवियस रिवेल्यूशन पर लैंड पर कुछ लॉस आया होगा ट्वेल्व मिलियन का और वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हुआ हुआ है जबकि बिल्डिंग के ऊपर गेन आया हुआ है और उसका रिवेल्यूशन सरप्लस थाउजेंड का रिफ्लेक्ट हो रहा है सेकंड इंफॉर्मेशन है कि ऑन थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी द रेल्यूड्स ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वर असेस्ड बाय स्मार्टेंट एज वन ट्वेंटी मिलियन एंड रुपीज थर्टी मिलियन रिस्पेक्टिवली तो अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि लैंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है इसके बाद सेटिंग अप अ न्यू प्लांट कमेंस्ड ऑन फर्स्ट जुलाई 2019 यानी ईयर के स्टार्ट में ही एंड सब्सटेंशली कंप्लीटेड ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी तो टोटल एट मंथ का टाइम है प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तो सब्सटेंशली ट्वेंटी नाइन को कम्प्लीट हो गया लेकिन अवेलेबल फॉर यूज फर्स्ट अप्रैल से हुआ तो यहाँ से हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एंड इमीडिएटली पोटेंट टू यूज यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वॉज एस्टिमेटेड एट टेन ईयर अब ये जो प्रीवियसली बाकी प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है तो वो फिफ्टीन ईयर है लेकिन इसकी लाइफ टेन ईयर है तो प्लांट्स की लाइफ जो है टेन टू फिफ्टीन ईयर्स की रेंज में आ जाएगी डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज अंडर जिसमें अगस्त में एक पेमेंट बताई हुई है अक्टूबर में बताई हुई है ट्वेंटी नाइन फाइव को बताई हुई है और थर्टी फर्स्ट जुलाई को भी बताई हुई है तो इसमें से जो हमारी रेलिवेंट पेमेंट्स होंगी उनके ऊपर हम अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेट uh, करेंगे बोरिंग कॉस्ट को द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी विदिमिट ऑफ रुपीज टू हंड्रेड मिलियन कैरिंग मार्कअप एट ट्वेल्व परसेंट पर है ना क्योंकि एक ही uh, जो है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी नेचर वाइज जनरल बोरिंग है लेकिन एक ही जनरल बोरिंग यूज हो रही है तो उसी का जो रेट होगा वही कैपिटलाइजेशन रेट समझा जाएगा हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज ट्वेंटी मिलियन रिलेटेड टू द प्लांट वॉज ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी द ग्रांट अमाउंट वॉज यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ द रनिंग फैसिलिटी यानी ग्रांट जो है वो हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटाइजेशन के अंदर भी कंसिडर करेंगे आई एस ट्वेंटी थ्री के मुताबिक कि ग्रांट जो है जितनी से रिसीव हो जाएगी उतने से हम अपने एक्सपेंडिचर को जो यूज हो रहा था उसको रिड्यूस कर देंगे इसके बाद यहाँ पर तो हमारा आई एस ट्वेंटी थ्री और आई एस ट्वेंटी भी अप्लाई होगा आई एस सिक्सटीन के साथ तो यहाँ पर जो मेनिंग मेन हमारा काम होगा वो होगा एसेट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना

दाउ द इंजन ऑफ सिमिलर कैपैसिटी वॉज अवेलेबल एट अ कास्ट ऑफ रुपीजी टू मिलियन द ओल्ड इंजन वॉज रिप्लेस फ्रॉम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी विद हायर कैपेसिटी इंजन एट अस्ट ऑफ वन पॉइंट एट मिलियनियनियनियनियनियन तो जिसके साथ एक्जैक्टली एक्सचेंज किया है, उसी की हम एक्विजीशन को रिकॉर्ड करेंगे एच आई एल यूज इस कॉस् मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मईरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इसका मतलब है कि प्लांट और व्हीकल के लिए जो है वो यूज करेंगे कॉस्ट मॉडल और बाकी दोनों के लैंड और बिल्डिंग के लिए रिवेलेशन मॉडल एच आई एल अकाउंट्स फॉर रिवेल्यूशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मथडियम एप्रेशन को एलिमिनेट करते हैं एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवेन सरप्लस टू रिटर्निंग ऑन एनअल बेसिस इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन का ट्रांसर करते हैं एच आई एल डिडक्ट्स गवर्मेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट तो दो मैथड्स होते हैं आई एस ट्वेंटी के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रांट को लेस करने के या रिकॉर्ड करने के एक तरीके में हम डेफिड ग्रांट अकाउंट का सेटअप करते हैं और दूसरे में हम उसे एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर देते हैं तो ये कॉस्ट में से डिडक्ट करने वाला मैथड यूज़ कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ये है कि अकॉर्डिंग विद आई एफ आर एस नोट बनाना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर और इंक्लूजन इन एच आई एल फाइनसियल स्टेटमेंट फॉर दूर थर्टीएट जून ट्वेंटी ट्वेंटी कम्पेरेटिव फिगर्स और कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड तो हमें सिर्फ एसेट्स पर वन ईयर के लिए फोकस करना है और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना है सो तो अब जरा हम चलते हैं और अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वन बाय वन कुछ इंफॉर्मेशन पिक करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंड बिल्डिंग प्लांट और व्हीकल का हमें ओपनिंग डाटा भी गिवन है कि इनकी ओपनिंग अमाउंट्स क्या हैं और इनके बारे में जो मेयरमेंट का वे है वो भी बताया हुआ है जिसमें से इन दोनों पे रिवेल्यूशन मॉडल है और इन दोनों पे कॉस्ट मॉडल सो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम सर्टन चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हम इनिशियली एक फॉर्मेट बनाएंगे उसके अंदर हम ये ओपनिंग फिगर्स भी रिकॉर्ड कर लेंगे और ये इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोजर में हमने बतानी होती है वो भी जो है लिख लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं जो बेसिक फॉर्मेट है शेड्यूल जिस तरह से हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बनाते हैं तो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड व्हीकल्स हमारे जो फोर एसेट्स हैं उनके हमने कॉलम्स बना लिए और ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक के लिए हमने स्पेस क्रिएट कर ली कुछ जगह छोड़ के अब जो हमारे पास एसेट्स हैं उनकी डिटेल है लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड व्हीकल्स और उसमें मेजरमेंट बेस्ड जो है लैंड के लिए रिवेलेषन मॉडल है बिल्डिंग के लिए भी रिवेलेशन मॉडल है प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल और व्हीकल के लिए भी कॉस्ट मॉडल देन यूजफुल लाइफ जो है लैंड की इफ़िनिट है बिल्डिंग्स की फ़िफ्टीन ईयर्स बताई हुई है प्लांट की जो है वो फिफ्टीन ईयर्स बताई हुई है लेकिन जो एक न्यू प्लांट है अब उसकी लाइफ टेन ईयर है तो फिफ्टीन टू टेन ईयर या टेन टू फिफ्टीन ईयर्स भी लिख सकते हैं आप ट्वेंटी परसेंट वहीकल पर रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड है तो डेप्रिसिएशन मैथड भी हम रिफ्लेक्ट कर देंगे जिसमें व्हीकल्स पर रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड है लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होती और प्लांट और बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है सो so, इसके बाद हमने ओपनिंग डाटा लिखना है क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बताई हुई है लैंड बिल्डिंग प्लांट व्हीकल्स की तो लैंड 100 मिलियन बिल्डिंग 70 मिलियन प्लांट 180 मिलियन एंड व्हीकल्स 8.8 मिलियन इसी तरह इंक्यूमिलिटी डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी गिवन है तो लैंड में तो डेप्रिसिएशन नहीं होती फोर्टी मिलियन फॉर बिल्डिंग सिक्सटी मिलियन फॉर प्लांट एंड फोर मिलियन फॉर व्हीकल्स यहाँ से हम ओपनिंग अपनी अमाउंट जो एज अ कम्पेरेटिव अगर हम शो करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं कि नेट करके कॉस्ट और इकमिटी एप्रिसिएशन को हम हर एसेट के लिए रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें हम जो फॉलो करेंगे सबसे पहले हम लैंड और बिल्डिंग को कवर करेंगे जिनकी रिवेल्यूशन है फिर प्लांट को कवर करेंगे और फिर व्हीकल को कवर करेंगे तो स्टेप वाइज चलेंगे लैंड और बिल्डिंग को हम कंबाइंड डाटा देख रहे होंगे तो जो डेटा लैंड और बिल्डिंग से रेलिवेंट है हमारे पास वो ये है कि लैंड 100 हंड्रेड uh, मिलियन की जो है उसकी कॉस्ट या रिवेल्यूड अमाउंट है जो लास्ट टाइम है और बिल्डिंग की 70 मिलियन 14 मिलियन की एक्मलेटेड एप्रिसिएशन 16 का रिवेल्यूशन सरप्लस और स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करना है फिर लैंड से रिलेटेड एक ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसकी प्रीवियस रिवेल्यूशन पर ट्वेल्व मिलियन का लॉस प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हुआ है और फिर हमें यह बताया हुआ है कि अब लैंड की वैल्यू जो ईयर एंड पर है वो वन मिलियन हो गई है तो लैंड से रिलेटेड हम कैलकुलेशन करते हैं तो रिवेल्यूशन गेन ऑन लैंड जो है वो आएगा 100 मिलियन से जब लैंड 120 मिलियन की हो जाएगी तो 20 मिलियन का गेन आ जाएगा प्रीवियस रिवर्सल ऑफ लॉस जो हमने करना है 12 मिलियन क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्डेड है तो 12 मिलियन प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही रिवर्स किए जाएंगे और बाकी जो 8 मिलियन है इस 20 मिलियन में से वो अदर कंपरीह इनकम के अंदर रिकग्नाइज किया जाएगा अब जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग पर जो डाटा है उसको इवेल्यूएट करें तो बिल्डिंग की एक तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस है तो सेवेंटी मिलियन की हमारे पास जो है वो कॉस्ट है या जो रिवेल्यूड अमाउंट है और ट्वेंटी ईयर्स की लाइफ गिवन है तो इस बेसिस पर एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती है सेवेंटी मिलियन डिवाइड बाई ट्वेंटी ईयर्स तो थ्री पॉइंट फाइव मिलियन पर एन एम की डेप्रिसिएशन आ जाएगी अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी इक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक चार्ज हुई हुई है वो कितने सालों की है ताकि हमें रिमेनिंग लाइफ का पता चले सो इक्यूमलेट डेप्रिसिएशन जो है ये फोर्टीन मिलियन है और एक साल की डेप्रिसिएशन थ्री पॉइंट फाइव मिलियन है तो 14 मिलियन डिवाइड बाय 3.5 मिलियन हमारे पास आ जाता है कि फोर इयर्स की डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हुई हुई है सिंस लास्ट रिवेलेशन अच्छा फोर इयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है टोटल जो लाइफ थी उस टाइम ट्वेंटी ईयर्स थी ट्वेंटी ईयर्स में से फोर ईयर निकाल दें तो सिक्सटीन ईयर्स और ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया ताकि हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें क्योंकि रिवेलेशन सरप्लस सिक्सटीन था और स्ट्रेट लाइन मैथड है तो ओवर सिक्सटीन ईयर्स

अब जब हम इसको रिवेल्यूशन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है थर्टी फाइव मिलियन की तो एसेट की वैल्यू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव से जब थर्टी फाइव मिलियन पर जाएगी तो डेफिनेटली उसमें हमें लॉस हुआ है तो लॉस की जो अमाउंट है दैट इज़ सेवेंटीन पॉइंट फाइव मिलियन अब इस लॉस में से कितना लॉस हम रिवेल्यूशन सरप्लस को चार्ज कर सकते हैं या अदर कंप्रीसिव इनकम को चार्ज कर सकते हैं तो उसका आंसर ये है कि सिक्सटीन मिलियन का रिवेल्यूशन सरप्लस था जिसमें से वन मिलियन हमारा ट्रांसफर हो गया टू रिटेन अर्निंग तो बाकी बच गया फिफ्टीन मिलियन इतना ही मैक्सिमम अदर कम्पनी इनकम को चार्ज हो सकता है और सेवनटीन पॉइंट फाइव में से फिर जो बाकी अमाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगी दैट इज टू पॉइंट फाइव मिलियन अब हम इन सारे जो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर हमने एक्यूमुलेट किया है इसको अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी लैंड की रिवेल्यूशन अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो लैंड पर रिवेल्यूशन का गेन आया है दैट इज ऑफ ट्वेंटी मिलियन तो लैंड में हमने ट्वेंटी मिलियन का जब गेन रिकॉर्ड कर दिया तो उसके बाद इसका हम टोटल कर लेंगे दैट इज वन ट्वेंटी मिलियन और इम्यूनिटी डेप्रिसिएशन तो जीरो ही रहेगी और हमारे पास नेट भी वन ट्वेंटी मिलियन की अमाउंट आ जाएगी इसके बाद हम बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे तो बिल्डिंग में क्योंकि ईयर एंड पर रिवेल्यूशन हुई है और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती है तो पहले हम डेप्रिसिएशन को रिकोगनाइज करेंगे और उसके बाद रिवेल्यूशन की एडजस्टमेंट करेंगे तो डेप्रिसिएशन जो है थ्री पॉइंट फाइव मिलियन एनअल डेप्रिसिए जैसे हमने कैलकुलेट की थी तो ये थ्री पॉइंट फाइव मिलियन की हम डेप्रिसिएशन मैंशन कर देंगे इसके बाद हमने इसकी रिवेलेशन रिकॉर्ड करनी है तो रिवेलुशन जब होगी तो जितनी भी एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन है जो कि ये कंबाइन करके सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन बनती है इसको हम एलिमिनेट uh, कर देंगे तो रिवेल्यूशन की एडजस्टमेंट हो जाएगी सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन की और इतनी ही अमाउंट से एसेट को भी क्रेडिट कर देंगे हमने लॉस जो कैलकुलेट किया बिल्डिंग के ऊपर तो वो लॉस भी हमारे पास सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन का ही है यही इक्वल फिगर है तो इतने का ही हमारा लॉस भी रिकॉर्ड हो जाएगा इस लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद हम टोटल करेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग का टोटल 35 मिलियन इकम्यूनिटी डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट होने के बाद जीरो हो गई है और नेट 35 मिलियन पर ही बिल्डिंग का एसेट शो हो जाएगा इसके बाद क्योंकि लैंड और बिल्डिंग हमने रिवेल्यू किए हैं तो रिवेल्यूशन से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर होते हैं जिसमें से सबसे पहला डिस्कलोजर ये होता है कि जिसमें हमने इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रिवेल्यूशन और क्या एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व था तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना होता है सो इफेक्टिव डेट ऑफ रिवेलूशन हमने बता दी थर्टियत जून ट्वेंटी ट्वेंटी को थी और इंडिपेंडेंट फार्म इन्वॉल्व थी उसके बाद हमने ये वो कैरिंग अमाउंट बतानी होती है अगर एसेट रिवेल्यू ना हो रहा होता और कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा होता तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ तो का डाटा तो नहीं है लेकिन हम रिवेल्यूशन से अगर रिवेल्यूशन सरप्लस का इम्पैक्ट या लॉस का इम्पैक्ट रिवर्स कर दें तो हमारे पास कॉस्ट की फिगर आ सकती है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो जिस तरह से लैंड जो है इस पे वन मिलियन की इस वक्त ये शो हो रही है और एट मिलियन का इस पर रिवेलुशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो अगर वो एट मिलियन का रिवेलेसन सरप्लस ना होता तो अंडर कॉस्ट मॉडल ये वन ट्वेल्व की होती इसी तरह बिल्डिंग इस वक्त थर्टी फाइव मिलियन की शो हो रही है लेकिन इस पर टू पॉइंट फाइव मिलियन का लॉस प्रॉफिट और लॉस में हमने रिकॉर्ड किया अगर वो ना किया होता तो ये थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन पे शो हो रही होती फिर हमने रिवेलेशन सरप्लस की मूवमेंट को भी देख लेना है सो so, बिल्डिंग पर तो जिस तरह से हमने भी नोट किया था कि 16 मिलियन का रिवेलूशन सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है 1 मिलियन का ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन एंडिंग को और बाकी 15 मिलियन जब लॉस आया तो उसके अगेंस्ट चार्ज कर दिया क्योंकि लॉस ज्यादा था तो रिमेनिंग 2.5 का लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा लैंड का कोई रिवॉलूशन सरप्लस ओपनिंग नहीं था बल्कि प्रॉफिट और लॉस में जो ट्वेल्व था वो लॉस रिकॉर्ड हुआ हुआ था उसको हम रिवर्स कर देंगे और जो रिमेनिंग हमारे पास एट थाउजेंड की अमाउंट होगी वो रिवेलिशन सरप्लस के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी अदर कम्प्रेंसिव इनकम में और फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी एट मिलियन का आ जाएगा तो लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड ये तमाम डिस्क्लोजर और मूवमेंट थी इसके बाद हम आगे चलते हैं और प्लांट को देखते हैं तो प्लांट के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें एक बात जो हमें नज़र आ रही है वो तो ये कि काम शुरू हुआ था फर्स्ट जुलाई टू को लेकिन जो पहली पेमेंट हुई है वो फर्स्ट अगस्त को ही है तो आई एस ट्वेंटी थ्री की रिक्वायरमेंट है कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन तब होती है जब एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हूँ और एक्सपेंडिचर भी लग रहा है और बोरिंग कॉस्ट भी इनकर हो रही तो एक्सपेंडिचर क्योंकि फर्स्ट अगस्त से हो रहा है तो जब तक तीनों कंडीशन पूरी नहीं होती बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं हो सकती इसलिए फर्स्ट जुलाई से शुरू नहीं करेंगे फर्स्ट अगस्त से करेंगे रेट हमें ट्वेल्व परसेंट दिया हुआ है क्योंकि एक ही जनरल बोरिंग यूज़ हो रही है तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और ग्रांट को जो है रिपेमेंट के लिए यूज़ किया गया है और ये हमें क्वेश्चन में अदरवाइज भी बताया हुआ था कि ग्रांट को वो एसेट की कॉस्ट में से लेस करते हैं सो so, हम ये देखते हैं कि एसेट के ऊपर जो टोटल अमाउंट लगी है वो वन ट्वेंटी मिलियन लगी है तो सबसे पहले तो हम ये नोट कर लेंगे कि हमारी जो कॉस्ट लगी एक्सपेंडिचर वाइज दैट वॉज वन ट्वेंटी मिलियन इसमें से हमें जो ग्रांट मिली है ट्वेंटी मिलियन की वो हम जो है यहाँ पर बताई हुई है ये लेस कर देंगे क्योंकि एंटिटी की यही प्रेजेंटेशन पॉलिसी है तो नेट एसेट आपका वन हंड्रेड थाउजेंड का शो हो रहा होगा और इसके ऊपर अब हमने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को देखें तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट अगस्त को ये ट्वेल्व मिलियन की अमाउंट लगी है और ये सिचुएशन जो है वो फर्स्ट अगस्त से फर्स्ट अक्टूबर तक कंटिन्यू कर रही है तो फर्स्ट अगस्त से फर्स्ट अक्टूबर तक हमारा जो टाइम बनता है दैट इज अगस्त एंड सेप्टेम्बर मंथ टू मंथ्स का टाइम है तो टू मंथ्स का ट्वेल्व परसेंट के हिसाब से हम इंटरेस्ट ले लेंगे इस एक्सपेंडिचर पे तो ट्वेल्व मिलियन इंटू ट्व परसेंट फॉर टू मंथ्स तो हमारे पास टू फोर्टी की अमाउंट आ जाती है इन थाउजेंड्स और उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट अक्टूबर को हमारा एक्सपेंडिचर लगा फोर्टी एट मिलियन का अच्छा ये जो फर्स्ट अक्टूबर को हमारा फोर्टी एट मिलियन लगा इसमें ट्वेल्व मिलियन ये भी लगा हुआ है तो हमारा क्यूमुलेटिव जो है दैट इज सिक्सटी मिलियन तो अब अक्टूबर से ले कर हम जाएंगे जनवरी तक वाई जनवरी तक क्योंकि जनवरी में जाकर हमें ग्रांट रिसीव हो रही है तो ग्रांट का इम्पैक्ट लेने के लिए हमें पहले फर्स्ट जनवरी तक जाना है सो so, हम अक्टूबर से जनवरी की डेट तक जाएंगे सो फर्स्ट अक्टूबर टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर जो हमारा टाइम बनता है उसमें हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर सिक्सटी मिलियन हो चुका है ट्वेल्व परसेंट का रेट और अक्टूबर नवंबर दिसंबर थ्री मंथ्स और ये अमाउंट वन पॉइंट एट मिलियन की बन जाती है इसके बाद हमारी जो ग्रांट है वो हमें रिसीव हो गई तो सिक्सटी मिलियन में से ट्वेंटी मिलियन हमें रिसीव हो गया तो हमारा जो एक्सपेंडिचर लग रहा है वो बेसिकली फोर्टी मिलियन लग रहा है और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी क्योंकि फर्स्ट जनवरी को ये ग्रांट मिली और ट्वेंटी नाइन्थ फेफ तक अगली अमाउंट है सो जनवरी टू फरवरी ये भी टू मंथ्स का टाइम बनता है इसमें हमारा फोर्टी मिलियन यानी इसमें से ग्रांट लेस करके ट्वेल्व परसेंट टू मंथस का हम इंटरेस्ट लेंगे तो दैट इज़ पॉइंट एट मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड और ट्वेंटी नाइन्थ फरवरी को क्योंकि हमारा काम कम्प्लीट हो गया है तो इन पेमेंट पे हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि एक बार एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए तो फिर बोरिंग कॉस्ट मजीद कैपिटलाइज नहीं की जाती सो so, जब हमने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड डाटा कंप्लीट कर लिया तो इसको हम टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आता है टू एट फोर जीरो इसको हम एसेट की इस कॉस्ट के अंदर एड कर देंगे एंड वो गैट वन मिलियन तो ये हमारे पास एसेट की कॉस्ट आ गई इसको हम अपने एडिशंस के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे सो लेट्स इट इन एडिशंस सो हियर वी रिकॉर्डेड वन जीरो टू एट फोर जीरो थाउजेंड इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि हमने इस एसेट की डेप्रिसिएशन भी देखनी है तो प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास वन एटी थाउजेंड का है और मेथड जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन और उसकी लाइफ फिफ्टीन ईयर है तो इसकी डेप्रिसिएशन ट्वेल्व मिलियन बनती है जबकि ये जो एडिशन है इसकी लाइफ टेन ईयर्स बताई हुई है और क्योंकि ये काम जो है फर्स्ट अप्रैल को कंप्लीट हुआ है तो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी जून तक तीन महीने का टाइम बनेगा तो तीन महीने की हम डेप्रिसिएशन लेंगे सो तो एडिशन के ऊपर टेन इयर्स की बेस पर थ्री मंथ्स की डेप्रिसिएशन टू फाइव सेवन वन और टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन फोर फाइव सेवन वन ये अमाउंट हम डेप्रिसिएशन के अंदर रिकॉर्ड कर दें तो डेप्रिसिएशन में जब हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे तो सिंपली फिर हमने टोटल्स करने हैं तो कॉस्ट का टोटल आ जाएगा टू एट एट फोर जीरो वन और हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगी टू व्हीकल्स की तरफ चलते हैं तो व्हीकल से रिलेटेड जो डाटा दिया हुआ है उसमें वन ऑफ द व्हीकल्स हैड एन इंजन फेलियर ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद इट्स इंजन हैड टू बी सोल्ड एट ऑफ पॉइंट वन मिलियन अब का सेल हुआ ये डिस्पोजल या गेन के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के शेड्यूल में ये रेलिवेंट नहीं है द वहीकल है तो टोटल टू ईय हो चुके हैं लेकिन ईयर वाइज क्योंकि जून में ईर एंड आ रहा तो है तो पहले सिक्स मंथ उसके बाद वन ईयर फिर सिक्स मंथ क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड है तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी व्हीकल की टोटल कॉस्ट टू पॉइंट फोर मिलियन है जिसमें फोर्टी परसेंट का इंजन है और सिर्फ इंजन का डिस्पोजल हुआ है इंजन हैड टू बी सोल्ड इंजन ऑफ सिमिलर available कौन कौन सी चीज थी वो रेलेवेंट नहीं है जो एक्चुअल आपने इंजन खरीदा है, एक वो 1.8 का खरीदा है और वो फर्स्ट जनवरी को लिया है तो इसका एडिशन रिकॉर्ड करेंगे और इसके ऊपर भी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो अब इस डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो व्हीकल्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमें डिस्पोजल कैसे रिकॉर्ड करना है तो डिस्पोजल्स को कॉस्ट में रिकॉर्ड करें तो हमारे पास डाटा ये है कि 2500 का व्हीकल था उसका 40 परसेंट कॉस्ट इंजन की थी जिसको हमने डिस्पोज ऑफ किया तो उसकी जिस चीज़ का डिस्पोजल हुआ है उसकी रेलिवेंट कॉस्ट वन मिलियन की थी तो ये हम वन मिलियन रिकॉर्ड कर देंगे अब देखना ये है कि इस आइटम के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो डिस्पोजल के अंदर इकम्यूनिटी डेप्रिसिएशन को भी कवर करेंगे तो इकम्यूनिटी डेप्रिसिएशन थर्टियथ जून 2018 तक सिक्स मंथ जो हैं

डेप्रिसिएशन बन जाती है तो टोटल डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की डेट तक है थ्री फाइव टू और एसेट की जो नेट अमाउंट है दैट वाज सिक्स फोर एट so, सो डिस्पोजल हम रिकॉर्ड कर देंगे इक्यूलेटिप्रिसिएशन थ्री फाइव टू की रेलिवेंट है ये हमने रिकॉर्ड कर दी इसके बाद हमें जो नया एसेट हमने परचेस किया है उसको भी रिकॉर्ड करना है तो नया एसेट हमने परचेज किया है वन पॉइंट एट मिलियन का अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए तो जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है उसकी तो इस साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली है सेवनटी टू यही वाली मेंशन करेंगे जो बाकी हमारी ओपनिंग बैलेंसेज हैं वो एटी एट हंड्रेड में से अगर वन थाउजेंड जो डिस्पोजल वाला निकाल दें और फोर थाउजेंड की इकमिटी डेप्रिसिएशन में से ये वाला टू एटी निकाल दें तो ओपनिंग टाइम पर जो हमारे बाकी एसेट्स थे उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट इज एट वन सिक्स उसके बाद हमने जो न्यू इंजन लिया है 1.8 मिलियन का इस पर सिक्स मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 20 परसेंट के हिसाब से तो दैट इज़ 180 इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन जीरो सिक्स एट थाउजेंड तो ये अमाउंट जो है हम डेप्रिसिएशन की मेंशन कर देंगे एंड आफ्टर दैट हमने टोटल्स करने हैं तो नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन कॉस्ट का टोटल है कम्यूनिटी डेप्रिसिएशन का टोटल फोर सेवन वन सिक्स है और नेट कैरिंग अमाउंट फोर डबल एट फोर की हमारे पास आ जाती है तो ये हमारे ओवरऑल डिस्क्लोजर्स हैं अब हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग्स के अलावा कैसे रिप्रेजेंट होनी चाहिए उसको देखते हैं तो वर्किंग के अलावा हमारा सोल्यूशन ऐसा लगना चाहिए सो so, हम मेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का शेड्यूल भी बनाएंगे और जो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर इवेल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है वो भी बनाएंगे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे